कांग्रेस के नेता मनीष तिवारी इस वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ये आपको सीधे लिए चलते हैं। हैं उनके ऊपर क्यों बात नहीं कर रहे? आप हरियाणा की सियासत मुझसे सब बेहतर जानते हैं, आप उस प्रदेश को कवर करते हैं। आप हरियाणा का कांग्रेस का चुनाव घोषणा पत्र उठा के देखिए और भारतीय जनता पार्टी का चुनाव घोषणा पत्र उठा के देखिए, जमीन आसमान का फर्क है। देयर इज एवरी प्रॉमिस व्हिच हैज बीन मेड बाय द बीजेपी इज अ वेक प्रॉमिस। मनीष जी एक मिनट, उनसे आपसे पहले उन्होंने थैंक यू सर। मनवीर फ्रॉम टाइम्स। यू हैव सीन स्लो डाउन इन 2009। अर्लियर वी वर ऑल फेस्ड विद अवर जॉब सिक्योरिटीज एंड एवरीथिंग। हाउ डिड यू मैनेज ड्यूरिंग दोज डेज एंड हाउ डू यू फील whether the government, this government is able to contain this thing, an apprehension called slowdown or economic crisis? Are they really prepared for it? One. Second, is it a global phenomena or being created in India only? That's a very good question. Let me answer it like this. If you rewind back to the UPA years, in 2004-05, the Indian economy grew at 9%. In 2006-07, the Indian economy again grew at 9%. In 2007-08, the Indian economy grew at 9.5%. 2008, the economic meltdown happened, the global economic meltdown. We only came down to 6.7%. And the very next year, 2009-10, we rebounded to 9.5%. So therefore, because we had a wise leadership at top, we had extremely experienced economists, the country was in a very safe pair of hands, therefore they knew how to deal with the economy. Dr. Manmohan said a very interesting thing yesterday in Bombay. Aap sabne padha hoga. He says, in order to revive the Indian economy, you have to make a correct diagnosis of the problem. और फाइनेंस मिनिस्टर का क्या डायग्नोसिस है? अमेरिका जाके बोलती है कि जी मनमोहन सिंह जिम्मेवार हैं, रघुराम राजन जिम्मेवार हैं। अभी तो आपको 5.5 साल मिल गए। अब तो अगर हम लोगों ने कोई चीज खराब की थी तो आप ठीक कर लेते। और 10 वर्ष में, जब यूपीए के 10 वर्ष थे, आप कोई भी मापदंड उठा के देख लीजिए, तेंदुलकर कमेटी, कोई और मापदंड उठा के देख लीजिए, 190 मिलियन लोगों को, 19 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया यूपीए की सरकार ने। तो टू आंसर योर क्वेश्चन इन ब्रीफ, वी हैड अ वाइज लीडरशिप ऑफ एक्सपीरियंस्ड इकोनॉमिस्ट हु अंडरस्टूड द इंडियन इकोनॉमी एंड देयरफॉर दे वर एबल टू सरमाउंट टू क्राइसिस, द ग्लोबल इकोनॉमिक मेल्टडाउन एंड द यूरोजोन क्राइसिस ऑफ 2011। In 2008, it was Dr. Manmohan Singh and Mr. Montek Singh Ahluwalia who actually saw the entire crisis through, because the Prime Minister had taken the home portfolio when you had the finance portfolio when Mr. Chidambaram had moved to the Home Ministry. Aur wo dusri baat, jis aadmi ne Hindustan ko 1997-98 mein jise dream budget kehte hain wo diya, और 2004 से लेकर 2008 तक जब भारत का की अर्थव्यवस्था सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ी, आज उसको आपने फर्जी केस में फंसा के जेल में बंद कर रखा है, कैसा संदेश जाता है बाहर? और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात रघुराम राजन ने कही है। जी मनीष जी, मनीष जी एक सवाल है मेरा। कल संबित पात्र जी, संबित पात्रा जी कल आए थे और वो जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात चल रही है उस पे सवाल था हमारा, तो उनका कहना था कि कांग्रेस 2 ट्रिलियन छोड़ के गई थी, उसमें हमने 1 ट्रिलियन बढ़ाया है 5 सालों में। और उनका कहना था कि जो बात जीडीपी जो अभी 5 के आसपास चल रही है, और उसके लिए जैसे आनंद शर्मा जी ने बताया था कि 9.5 चाहिए 5 साल तक, तब हम 5 ट्रिलियन का लक्ष्य पूरा कर पाएंगे। तो उनका कहना था कि ये जो है वो ऐसे ही कह रहे हैं, कोई ये नहीं, कोई आंकड़ा उन्होंने पेश नहीं किया और इसका कटाक्ष किया उन्होंने। एक और छोटा सा सवाल है, ये 75 पार जो इनका चल रहा है, तो उन्होंने एक टारगेट पहले से ही सेट कर दिया, कांग्रेस ने वैसा नहीं किया, तो अब की बार आप कितने पार
ये भी बता दें सर। देखिए जिन सज्जन का आपने जिक्र किया हमारे मित्र हैं, पर उनसे एक बहुत सटीक सवाल कुछ समय पहले पूछा गया था, अगर आप भी पूछ लेते तो शायद आपको सारे जवाब मिल जाते। उनसे पूछ लेना था कि ट्रिलियन में जीरो कितने होते हैं। सो इसलिए छोड़िए, तो अगर कोई कोई गंभीर अर्थशास्त्री होता तो वो उसके सवाल का जवाब देने का मतलब बनता था। जहां तक 75 पार की बात रही, देखिए अहंकार है, और एनडीए भाजपा सरकार का चाहे केंद्र में हो या प्रदेश में हो, ये अहंकार और अज्ञानता का बहुत ही एक उत्कृष्ट सम्मिश्रण रहा है। अज्ञानता और अहंकार का बहुत ही उत्कृष्ट सम्मिश्रण रहा है, और इसमें जो गंभीर और चिंता वाली बात है कि चुनाव होने से पहले, मत पड़ने से पहले आपने रिजल्ट भी डिक्लेयर कर दिया। तो हम आपसे पूछना चाहते हैं कि मत पड़ने से पहले आपको नतीजा कैसे मालूम है? क्या लोकतंत्र से छेड़छाड़ की जा रही है? चुनाव आयोग को बहुत गहराई से इस